नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से। आज मैं आपको हेयर फॉल के बारे में बताऊंगी। बालों की समस्या मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही बहुत कॉमन होती है। कुछ लोगों में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कुछ लोगों में बाल नहीं झड़ते लेकिन उनके हेयर की थिनिंग होती है, तो उसके कारण उनका स्कैल्प जो है नज़र आने लगता है। दोनों ही कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होती हैं और पेशेंट के दिमाग पर बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए इसका टाइम से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण हैं, क्या आप घर बैठे इसके लिए कर सकते हैं, और अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि हेयर फॉल के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में गंजापन रन कर रहा है तो आपके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आगे चलकर बालों की समस्या हो। दूसरा है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक, इनकी डिफिशियंसी के कारण भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे PCOD, PCOS या थायराइड के प्रॉब्लम्स के कारण भी आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और हेयर की थिनिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें भी आपको हेयर फॉल और हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद भी आपका हेयर फॉल हो सकता है लेकिन वो जनरली रिवर्सिबल होता है। कुछ मेडिकेशंस लेने के कारण जैसे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के वजह से भी आपको हेयर फॉल जैसी समस्या हो सकती है। एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरिएटा। इसमें हमारी अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी हमारे हेयर सेल्स के अगेंस्ट वर्क करती है और उससे हेयर सेल्स हमारे डैमेज होने लगते हैं, तो जगह जगह हमें पैची हेयर लॉस दिखने लग जाता है। ये कंडीशन में भी आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बट ये भी ट्रीटेबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे फिजिकल, मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस के कारण आपका हेयर लॉस हो सकता है। जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या डिफरेंट टाइप्स के डाइट्स लेते हैं, उन लोगों में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए माइंड रिलैक्सेंट एक्सरसाइजेज जैसे मेडिटेशन, योगा वगैरह आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में ज़रूर लेकर आइए। तो इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आपके हेयर फॉल का प्रॉपर कॉज क्या है और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। अब अगर आपका हेयर फॉल इनिशियल स्टेजेस पर है तो आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने हेयर का केयर करना है, यानी आपको जेंटल शैम्पूज़ यूज़ करने हैं और अपने हेयर को एयर ड्राई होने देना है। किसी भी तरह के ब्लो ड्रायर्स या हेयर ड्रायर्स आपको यूज़ नहीं करने। दूसरा, आपको अपने हेयर को बहुत टाइटली टाई नहीं करना, उसको थोड़ा लूज़ छोड़ना है। कोम करने के लिए आप कोशिश करिए कि वाइट टूथ कोम आप अपने हेयर के लिए यूज़ करें। कर्लिंग रॉड्स और प्रेसिंग मशीन्स आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि जितना हीट आपके हेयर शाफ्ट पर आएगा उतना ही वो ज़्यादा डैमेज होता है। स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी है। स्मोकिंग से वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है जिसके कारण आपका ब्लड फ्लो कम होता है और उससे आपका हेयर की थिनिंग होती है। एक्सरसाइज अपनी डेली एक्टिविटी में ज़रूर आप रूटीन में लेकर आइए, बिकॉज जितना आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपका वैसो डायलिटेशन होता है जिसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उससे आपका हेयर ग्रोथ बेटर होता है। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट बहुत ही हेल्दी रखनी है। मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो है प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटिन, तो ये आपको अपने डाइट में ज़रूर लेने हैं। अब अगर इन सब के बावजूद भी आपका हेयर फॉल कंटिन्यू है तो आपको क्या करना है। ऐसे में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, जो प्रॉपर कॉज को फाइंड आउट करेंगे और आपको एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट दो तरह के होते हैं, या तो होम केयर ट्रीटमेंट होते हैं या इन क्लिनिक प्रोसीजर्स होते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट यानी डॉक्टर आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो या तो टॉपिकल सीरम्स और लोशंस की फॉर्म में होंगे, जैसे कुछ पेप्टाइड्स और सीरम्स होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और उनको थिकन करते हैं, या कुछ डॉक्टर्स मिनोक्सिडिल भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मिनोक्सिडिल में आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको उसको बीच में नहीं रोकना, क्योंकि उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो है रिबाउंड इफेक्ट। जब भी आप उसको स्टॉप करेंगे तो वापस से आपका हेयर लॉस हो सकता है, तो इसीलिए मिनोक्सिडिल हम बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन में डॉक्टर्स आपको विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो हमारी साइक्लिकल थेरेपी होती है उसके रिजल्ट्स आपके बेटर होते हैं कंपेयर टू डेली डोसेज ऑफ विटामिंस। तो इसलिए साइक्लिकल थेरेपी में आप अगर विटामिंस को लेंगे तो आपको रिजल्ट्स हेयर फॉल में बहुत ही एनकरेजिंग मिलते हैं। दूसरा एक ओरल मेडिकेशन है ओरल फेनिस्ट्राइड। ओरल फेनिस्ट्राइड बहुत ही सेलेक्टेड केसेस में दिया जाता है और वो डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है इन क्लिनिक प्रोसीजर्स। सबसे पहला है लो लेवल लेज़र लाइट थेरेपी। ये एक
लाइट थेरेपी होती है, हेलमेट के फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके स्कैल्प पर कुछ देर के लिए रखा जाता है, जिससे आपका हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है और बेटर होता है। नेक्स्ट होता है, अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा है तो डॉक्टर आपके इंट्रालिजनल इंजेक्शन यानी उसी पैच के अंदर इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ की फुल रिकवरी हो जाती है। थर्ड, अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो डॉक्टर आपको उस केस में पीआरपी या मेसोथेरेपी भी एडवाइस कर सकते हैं। दोनों ही ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग होते हैं और ये ना केवल हेयर फॉल को स्टॉप करता है बल्कि हेयर रीग्रोथ भी आप इसमें देखते हैं। तो इसलिए हेयर फॉल का टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसका इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप उस स्टेज पर नहीं कराते और आप सोचते हैं ठीक है इसको चलने दो ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि आप ऐसी स्टेज में पहुँच जाएँ कि आपको सिर्फ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन या विग्स ही ऑप्शन रह जाए। इसलिए इसके ट्रीटमेंट में कभी भी डिले ना करें और इसका टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूर लें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।